प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। सभी बच्चे व्यंजन की दूसरी लाइन पढ़ना सीखेंगे। च छ ज झ य। आज की कक्षा में हम शुरू करने जा रहे हैं व्यंजन ज। ज से जवान, ज से जहाज, ज से जल, ज से जूता, ज से जंगल, ज से जेब, ज से जग, ज से जलेबी, ज से जड़। व्यंजन ज लिखने से पहले हम इस वर्कशीट को करेंगे। इस वर्कशीट में हमने लिखा है अक्षर ज सही चित्र से मिलाएं। यहाँ पे हमने यहाँ कौन सा अक्षर लिखा है? अक्षर ज। ज से हमें यहाँ पर देखना है, चित्र बनाए हैं आपकी मैम ने। इन चित्रों को आप देखिए और इनको मैच करिए। तो आप तैयार हैं सब बच्चे? अपने स्केच पेंस लेंगे। ज, ज से होता है जड़। ये जड़ देख रहे हैं आप, पेड़ की जड़ है ये। तो हम ज से जड़ को मैच करेंगे। अब बताइए और क्या होता है? ज से छतरी होती है? नहीं होती, क्योंकि ये अक्षर छ से स्टार्ट हो रहा है और हमारा अक्षर है ज। ज से जल, जल मीन्स पानी। तो हम इसको ज से जल पे लेके जाएंगे और यहाँ पर मैच करेंगे। नीचे आइए, यहाँ पे हमने लिखा है ज से जग। ये देखिए, ये ज से शुरू हो रहा है व्यंजन ज। ये भी व्यंजन ज है, आप इसे देखेंगे। और ये जग है, तो हम अपने स्केच पेन से इस चित्र को मिलान करेंगे। ये लिखा है खरगोश। ये व्यंजन ख से शुरू हो रहा है और हमने पूछा है व्यंजन ज। तो ज और ख बिल्कुल अलग लग रहे हैं, समान नहीं है, इसलिए हम इसको मैच नहीं करेंगे। ये है ज से जहाज। ये व्यंजन ज है, यहाँ भी ज से हमने मैच करना है, ये जहाज है। तो सभी बच्चे अपने स्केच पेन से ज को मैच करेंगे और इस तरह की वर्कशीट अपने घर पे बनाइए और अपनी वीडियोस मैम को भेजिए। इसके बाद अब हम व्यंजन ज लिखने का अभ्यास करेंगे। आप सभी अपनी 5 लाइंस की कॉपी निकाल लीजिए। व्यंजन ज, इसके लिए हमें स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन पहले बनाएंगे, सेकंड लाइन और फोर्थ लाइन, सब डॉट लगाएंगे और व्यंजन ज लिखने का अभ्यास 5 लाइन की कॉपीज में करेंगे। सबसे पहले स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। आप सभी 5 लाइन की कॉपीज में सेकंड लाइन और फोर्थ लाइन पे स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन बनाइए। पहले स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन।
स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। इसके बाद अब हम थर्ड लाइन पे एक छोटी सी स्लीपिंग लाइन बनाएंगे और यहाँ से एक कर्व नीचे से ले जाके और थर्ड लाइन पे वापस घुमा के यहीं पर लाएंगे। ये बन गया व्यंजन ज। थर्ड लाइन पे छोटी सी स्लीपिंग लाइन बनाएंगे, अपनी पेंसिल को नीचे से घुमाते हुए थर्ड लाइन पे वापस लेके आएंगे। ज से जहाज, थर्ड लाइन पे स्लीपिंग लाइन बनाएंगे छोटी सी और यहीं से कर्व लेते हुए पेंसिल ऊपर लाएंगे थर्ड लाइन तक और यहाँ पे छोड़ दीजिए कर्व बना के। ये बन गया ज से जड़। स्लीपिंग लाइन, कर्व लेंगे, थर्ड लाइन पे लाएंगे, ये बन गया ज से जल। ज से जलेबी, सब बच्चे जलेबी खाते हैं। ज से जवान, जवान हमारे फौजी, ठीक है, इंडियन सोल्जर्स। ज से जवान। ज से जल, ज से जलेबी। स्लीपिंग लाइन थर्ड लाइन पे बनाइए, कर्व लेके आइए, ऊपर ले जाके थर्ड लाइन पे वापस घुमा के लाएंगे। ज से जहाज। ज से जड़। ज से जवान। तो ये था व्यंजन ज। सभी बच्चे फाइव लाइन की कॉपीज में अभ्यास करेंगे और बोल बोल के व्यंजन ज लिखेंगे। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी की कक्षा में आपको विलोम शब्द सिखाने जा रहे हैं। तो देखिए, विलोम शब्द किसे कहते हैं? विलोम शब्द उन शब्दों को कहते हैं जो एक दूसरे का उल्टा या विपरीत अर्थ बताते हैं। जैसे आप देखिए, यहाँ पर हमने चित्र बनाए हैं आपके लिए, उन चित्रों से आप जानेंगे कि विलोम किसे कहेंगे। सबसे पहले पहला चित्र देखिए। पहला चित्र छोटे से पेड़ का है और ये इसी के पास जो पेड़ है वो लंबा है, बड़ा है। तो छोटा, छोटा उसका विलोम होता है बड़ा, छोटे का बड़ा। दूसरे चित्र पे आइए। ये चित्र है दिन। दिन में क्या निकलता है? दिन में सूरज निकलता है। और ये चित्र है रात का। रात को निकलता है चंद्रमा। तो दिन का विलोम शब्द होता है रात। दिन का विलोम शब्द क्या होता है? रात। तीसरे चित्र पे आइए। आप इस बॉय को देखिए। ये बॉय कैसा है? उल्टा है इसने। और ये वाला बॉय कैसा है? कैसे खड़ा है? सीधा खड़ा है। ये उल्टा है और ये सीधा है। तो उल्टे का विलोम शब्द होता है सीधा। नेक्स्ट, फोर्थ नंबर चित्र पे आइए। ये कपड़ा है। ये कपड़ा सूखा है और ये कपड़ा गीला है। इस कपड़े में पानी है। तो हम सूखा और गीला, सूखे का विलोम शब्द होता है गीला। फिफ्थ वाले चित्र पे आप आइए। यहाँ पे हमने एक चित्र बनाया है जिसमें ये आपको गर्ल दिख रही है और बिल्कुल साफ सुथरी है। इसने कपड़े बिल्कुल साफ पहने हुए हैं और इस बॉय ने अपना फेस भी क्लीन नहीं किया। तो ये कैसा लग रहा है आपको? ये साफ है और ये बॉय गंदा सा दिख रहा है। तो ये गंदा, साफ, साफ का विपरीत होता है गंदा। विलोम शब्द क्या होता है? जंगल में एक खरगोश रहता था। नेक्स्ट, लास्ट वाले चित्र पे आइए। सिक्स्थ वाले चित्र पे हमने यहाँ पर एक टोकरी में लड्डू बनाए हैं। ये लड्डू आपको कितने दिख रहे हैं? तीन लड्डू हैं। इसका मतलब टोकरी में कम लड्डू नजर आ रहे हैं और इस टोकरी में खूब सारे लड्डू नजर आ रहे हैं। तो कम का विलोम शब्द होता है ज्यादा। पर तुमसे कम का विलोम शब्द क्या होता है? ज्यादा। तो बच्चों, ये थे विलोम शब्द। एक बार हम इसको फिर से दोहराएंगे। खरगोश बहुत ही खुश दिखाई दे रहा था। बड़ा, उसे विश्वास था कि वह हवा की तरह विलोम शब्द होता है बड़ा। और वह दिन का विलोम शब्द होता है रात।
दिन आधे रास्ते पहुंचकर उल्टा उसने देखा उल्टा का विलोम शब्द होता है सीधा है। उल्टा उसने सोचा सीधा अभी तो मेरे पास बहुत समय है क्यों ना ठंडी हवा उसके विलोम शब्द होता है गीला। सूखे का विलोम शब्द क्या होता है गीला। साफ साफ का विलोम शब्द गंदा। एक पल के लिए नहीं रुका गंदा लगातार चलता रहा। कम धीरे धीरे कम का विलोम शब्द ज्यादा। सोते हुए खरगोश का विलोम शब्द ज्यादा। कम पर पहले पहुंचकर तो ये थे विलोम शब्द। आप भी अपने कॉपीज में इनको लिखिए इसको प्रैक्टिस करिए और बार बार वीडियोस देखिए कि हमने आपको विलोम शब्द कैसे सिखाए हैं और आप अभ्यास करिए। धन्यवाद।